अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई एम डॉक्टर जाहिद खान। आई हैव डन माई PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, फॉलोड बाय पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद। करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, अबासीन यूनिवर्सिटी, पेशावर। व्यूअर्स, स्टूडेंट चाहे मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हो, सोशल साइंसेस का हो, लॉ का हो, एग्रीकल्चर का हो, उसकी और उसके वालिदैन की हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स में बैठकर अच्छे नंबर लेकर मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाए। सो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के लिए जो सबसे आला एग्ज़ाम का इनेकाद किया जाता है, दैट इज़ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान कंडक्टेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद। इस एग्ज़ाम को व्यूअर्स अगर हम देखें तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस एग्ज़ाम को चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट एग्ज़ाम इज़ इट्स रिटन। इस रिटन में टोटल 12 पेपर्स होते हैं, 6 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, जबकि 6 आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं। रिटन पास करने के बाद दूसरा मरहला मेडिकल का आता है। वो कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। एंड फाइनली इन तीनों स्टेजेस से निकलने के बाद फिर आपका वाइवा वॉइस का एग्ज़ाम लिया जाता है। ये चार मरहले क्लियर करने के बाद फिर आपको एलोकेशन आपकी की जाती है मुल्क के मुख्तलिफ महकमों में। बाकायदा ट्रेनिंग के बाद आपको महकमों में तैनात किया जाता है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है व्यूअर्स कि CSS के एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पहले हम उसके हवाले से बात करते हैं, उसके बाद आपके रिटन पे मैं तफसीली बातचीत करूंगा। आपने जब रिटन एग्ज़ाम दे दिया तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में 40% होने चाहिए, यानी कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट में मिनिमम 40% सिक्योर कर लेनी है। उसके बाद आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, जो 6 आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हुए होते हैं उनमें आपने 33% मिनिमम सिक्योर करने होते हैं। इसके बाद बात आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी पर, मतलब कि आप कितना पढ़कर इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो दैट इज़ 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, कि आपने कम से कम 14 साल तालीम हासिल कर रखी हो, यानी कि आपने BA, BSc या BS पास किया हुआ हो, तो तभी आप CSS कंपिटेटिव एग्ज़ाम में बैठने के अहल हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो एलिजिबिलिटी है, दैट इज़ कि आपका पाकिस्तानी होना इंतहाई ज़रूरी है, मतलब आप फॉरेन नेशनल ना हो। अगर आप पाकिस्तानी नजाद बरतानवी है, पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन है, पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन है, तो तब भी आप इस एग्ज़ाम में बैठने के अहल नहीं हैं। इसके अलावा जब बात आ जाती है कि आपकी एज रिक्वायरमेंट के हवाले से, कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो CSS एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ 21 ईयर्स, यानी कि आप कम से कम 21 साल के हो एंड और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, मतलब आप 21 साल से कम ना हो और 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो। इसके अलावा 2 ईयर्स एज रिलैक्सेशन भी है, विच इज़ फॉर रिमोट एरियाज़ या डिसेबल पर्सन, इसके हवाले से इनको 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी दे दी जाती है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो
तो फिर आपका जो मरहला है वो आपकी अप्लाई का आ जाता है कि आपने अप्लाई कैसे और कब करनी है। सो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सालाना की बुनियाद पर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स का इनेकाद कराते हैं। मुल्क के बड़े बड़े शहरों में इनके एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं। आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, उस ऑनलाइन फॉर्म के साथ आपने 2200 रुपये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करा के वो रसीद सबमिट करानी होती है और इसी तरह आप रिटन एग्ज़ाम के लिए अहल हो जाते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुनक्किद करदा एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रॉपर टाइम एंड डेट पर आप पेपर में बैठ सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि जब आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, आप फॉर्म वगैरह सबमिट करा देते हैं, तो फिर आपका रिटन का मरहला आ जाता है जो 12 पेपर्स पर मुश्तमिल होता है। उसकी डिटेल के लिए ये स्लाइड्स मुलाहिजा कीजिए। सो जी व्यूअर्स, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए, सो देयर आर 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ईच सब्जेक्ट कैरी इक्वल मार्क्स। डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट आर एज अंडर, यानी कि 6 लाजमी मजामीन है और हर मजमून 100 नंबर का होता है। कंपलसरी मजामीन में जो आपका पहला पेपर होता है, दैट इज़ इंग्लिश इसे। इंग्लिश इसे का पेपर 100 नंबर का होता है। इसके अलावा इंग्लिश प्रीसियन कंपोजिशन, ये भी 100 नंबर का होता है। जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, दिस इज़ द थर्ड सब्जेक्ट, ये भी 100 नंबर का होता है। इसी तरह करंट अफेयर्स भी 100 नंबर का पेपर होता है। पाकिस्तान अफेयर्स भी 100 नंबर का होता है। एंड इस्लामिक स्टडीज़ भी 100 नंबर का होता है। इसके अलावा अगर नॉन मुस्लिम है तो उनके लिए भी उनके रिलीजन का पेपर 100 नंबर का होता है। इसी तरह अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात की जाए, सो बिलीव यू कैन सी इन 7 ग्रुप्स कंटेनिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ए कैंडिडेट हैज़ टू कवर द रेस्ट ऑफ 600 मार्क्स थ्रू दीज ग्रुप, यानी आपने इन ग्रुप से मज़ीद 600 नंबर ऑप्ट कर लेने हैं। व्यूअर्स, दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली, मतलब आपने इन 5 मजामीन से सिर्फ 200 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेना है, कवर करना है, जिसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है 200 नंबर का, इकनॉमिक्स है 200 नंबर का, कंप्यूटर साइंस है 200 मार्क्स का, पॉलिटिकल साइंस है 200 मार्क्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वो भी 200 का है। सो आपने इस ग्रुप से सिर्फ 200 नंबर का कोई एक पेपर ऑप्ट करना है। इसी तरह ये दूसरा ग्रुप है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स और 2 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, यानी 200 नंबर आपने टोटल इससे भी लेने हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट ले 200 मार्क्स का या 2 सब्जेक्ट लें 100-100 मार्क्स का। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री 200-200 के हैं, जबकि अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स 100-100 के हैं, स्टेटिस्टिक्स 100 नंबर का है और इसमें जियालॉजी भी 100 नंबर का है। तो 100-200 आपने लेने हैं इससे। दिस इज थर्ड ग्रुप ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली, यानी इस ग्रुप से आपने सिर्फ 100 नंबर का कोई एक सब्जेक्ट लेना है। इनमें से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100-100 मार्क्स, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट 100 मार्क्स का। दिस इज फोर्थ ग्रुप, यू हैव टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली, इस ग्रुप से भी आपने सिर्फ 100 नंबर का कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है जो 100 नंबर का है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है ये भी 100 नंबर का है, ब्रिटिश हिस्ट्री है ये भी 100 नंबर का है, यूरोपियन हिस्ट्री ये भी 100 नंबर का है, जबकि हिस्ट्री ऑफ यूएसए ये भी 100 नंबर का है। इनमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। इसी तरह अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिफ्थ ग्रुप की बात की जाए, सो यू हैव टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली, इस ग्रुप से भी आपने सिर्फ 100 नंबर का कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। इसमें जेंडर स्टडीज़ है 100 नंबर का, इन्वायरमेंटल साइंसेज है 100 मार्क्स, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री 100 मार्क्स, बॉटनी 100 मार्क्स, जूलॉजी 100 मार्क्स, इंग्लिश लिटरेचर 100 मार्क्स एंड उर्दू लिटरेचर ये भी 100 नंबर का है। सो आप ये जहन में रख लें कि आपने इन ग्रुप से जो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मतलब आपने 600 मार्क्स के टोटल इससे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। जिस तरह 600 नंबर कंपलसरी सब्जेक्ट से हैं,
सो आपने मज़ीद इन ऑप्शनल ग्रुप से 600 मार्क्स टोटल सिक्योर कर लेने हैं। दिस इज़ द सिक्स्थ ग्रुप। यू हैव टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली फ्रॉम दिस ग्रुप। इस ग्रुप से भी आपने महज या आप इससे सिर्फ 100 नंबर का एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। दैट इज़ लॉ 100 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 100 मार्क्स, इंटरनेशनल लॉ 100 मार्क्स, मुस्लिम लॉ एंड जुरिसप्रूडेंस ये भी 100 नंबर का है, मर्केंटाइल लॉ ये भी 100 नंबर का है, क्रिमिनोलॉजी 100 मार्क्स एंड फिलॉसफी 100 मार्क्स। इस ग्रुप से भी आपने महज 100 नंबर का एक सब्जेक्ट बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट लेने की इजाज़त इससे नहीं है। दिस इज़ द सेवन एंड फाइनल ग्रुप ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली। इस ग्रुप से भी आपने महज 100 नंबर का एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेना है। इसमें है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन 100 नंबर का है, साइकोलॉजी 100 मार्क्स क्या है, जियोग्राफी है 100 मार्क्स, सोशलॉजी है 100 मार्क्स एंड एंथ्रोपोलॉजी है 100 मार्क्स के। आपने इनसे एक सब्जेक्ट 100 का ले लेना है। इसके अलावा इस सेवन्थ ग्रुप में कुछ लैंग्वेजेस भी है, जैसे कि पंजाबी 100 मार्क्स, सिंधी 100 मार्क्स, पश्तो 100 मार्क्स, बलोची 100 मार्क्स, पर्शियन 100 मार्क्स एंड अरेबिक 100 मार्क्स। सो सेवन ग्रुप के इन लैंग्वेजेस बशमूल वो पिछले वाले आपने महज 100 नंबर ऑप्ट करने हैं। इसी तरह व्यूअर्स, आपको बताता चलूं, जब कोई सीएसएस क्वालिफाई कर लेता है तो उसकी एलोकेशन इन डिपार्टमेंट्स में होती है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि वो इन डिपार्टमेंट्स में जॉब कर ले, उनको जॉब मिल जाए। एंड दैट इज़ जो फर्स्ट प्रायोरिटी अक्सर होती है, दैट इज़ पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। आप अगर सीएसएस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को बतौर एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आप पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, अगर आप डीएमजी में आ जाते हैं तो आप बतौर असिस्टेंट कमिश्नर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह आपकी एलोकेशन फॉरेन सर्विसेज में भी हो सकती है, आप किसी डिप्लोमेटिक मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह चौथे नंबर पर जो चौथा ग्रुप है इसका, दैट इज़ कस्टम ग्रुप, कस्टम में भी आप जा सकते हैं, अकाउंट्स एंड कॉमर्स में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी तैनाती इनकम टैक्स ग्रुप में भी की जा सकती है, इंफॉर्मेशन ग्रुप में भी की जा सकती है, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में भी आपकी तैनाती की जा सकती है, पाकिस्तान रेलवेज में भी आपको तैनात कर दिया जा सकता है, पोस्टल सर्विसेज ग्रुप में भी आपको तैनात कर सकते हैं एंड मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट ग्रुप में भी आपको तैनात कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात व्यूअर्स ये है कि आप जब अपना फॉर्म फिल करते हैं तो आपने इन महकमों में जो आपको पसंद हो वो प्रायोरिटी बेस्ड पर लिख देनी होती है कि अगर मैं क्वालिफाई कर जाऊं तो मैं कौन से महकमे में जाना पसंद करूंगा, प्रायोरिटी वाइज लिखते हैं आप ये। सो व्यूअर्स, जब आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, आपका मेडिकल हो जाता है, वाइवा वाइज हो जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है, फिर आपकी एलोकेशन हो जाती है, मतलब आप मुल्क के मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स में आपकी तैनाती हो जाती है। सो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग का एक मरहला स्टार्ट हो जाता है और आपको सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में 7 महीने की जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कराई जाती है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप की अपॉइंटमेंट अकाउंट्स ग्रुप में हुई है तो अकाउंट्स से रिलेटेड आपसे कोर्स कराए जाते हैं, अगर आपकी फॉरेन सर्विसेज में अपॉइंटमेंट हुई है तो आपसे डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह का कोर्स कराया जाता है, अगर आपकी पाकिस्तान कस्टम्स में अपॉइंटमेंट हुई है तो कस्टम से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं आपको, अगर आपकी डीएमजी में अपॉइंटमेंट हुई है तो आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के कोर्स कराए जाते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे कुछ आइडियाज, कुछ पॉइंट्स जो मुझे मुनासिब लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ ताकि आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो। व्यूअर्स, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है और मज़ीद सीएसएस पीएमएस के हवाले से आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली नॉलेज कॉरिडोर के ऑफिशियल पेज को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, इसको बिल का आइकन दबा दें और इस काविश में हमें सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप किसी पसमानदा इलाके से आपका ताल्लुक है
आपको कोई इकोनॉमिक इश्यूज है, महंगी महंगी एकेडमीज में आप सीएसएस के लिए ट्रेनिंग नहीं कर सकते, एग्ज़ाम की तैयारी आप नहीं कर सकते, आपका या आपके वालिदैन का ख्वाब है कि आप सीएसएस क्वालिफाई करें, तो हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। मेरा ऑफिस अब्बासीन यूनिवर्सिटी पेशावर के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी में है। आप किसी भी टाइम बग़ैर कुछ झिझक के मेरे ऑफिस का विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको सीएसएस के हवाले से, पीएमएस के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन आपको एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट तैयार करूंगा, बिल्कुल फ्री, आपसे किसी किस्म का कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लूंगा, किसी किस्म का मुतालबा आपसे नहीं किया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कास्ट में सीएसएस के लिए तैयार करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए एंड सपोर्ट मी, स्प्रेड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।